नमस्कार, लेकर आए हैं आपके लिए आवेदन पत्र। पत्र लेखन में आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, आवेदन पत्र में क्या क्या बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तो यदि आप आवेदन पत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, यदि आप आवेदन पत्र लिखना जानते हैं तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा और काफ़ी सीखिएगा, उम्मीद है ज़रूर आप सीखेंगे। इसमें मैंने बहुत तरह की बातें समझाने की कोशिश किया है, तो आइए हम आपको शुरू करते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में मैंने एक टॉपिक लिया है, प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। इसके पहले हमने जो एक वीडियो, दो वीडियो दिया है जिसमें बताया है आवेदन पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन कितने प्रकार से लिखे जाते हैं और व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये देखेंगे, मज़ा आएगा। आवेदन पत्र की शुरुआत करते हैं। प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो बड़ी आम है और बड़ी ही कॉमन है, बड़ी ही साधारण है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, फिर भी यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बड़ी ही भारी है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में और उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो इस बात को ये लिखना ठीक है, लेकिन ये बात लिखना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये श्रीमान इसके सामने से लिखना शुरू करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं श्रीमान को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। बेहतर तरीके ऐसे नहीं लिख सकते, इस श्रीमान इसके सामने नहीं लिखे, इसको थोड़ा सा और घिस के लिखिए, हो सके तो बीच में आप लिखें तो ज़्यादा मज़ा होगा। ये जो लाइन है इसके बीच में लिखना शुरू करें तो ज़्यादा बेटर होगा, मैंने इसके सामने जस्ट बीच बीच से लिखना शुरू करें। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद लिखने के बाद आपको कॉमा यहाँ पर जरूर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला लाइन में लिखना है तो इसके सामने ही लिखना है अपना विद्यालय का नाम, जैसे राजकीय मध्य विद्यालय, आप अपने स्कूल, आपका स्कूल किस स्थान पर है, जिस जगह पर है, जैसे मानकर चलिए मठिया, मठिया मंझरिया बाजार, ऐसे करके है, मैंने जहाँ पे आपका स्कूल है उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम लिख दीजिए, ठीक। अब आप प्रधानाध्यापक से कहना क्या चाहते हैं, किसके लिए छुट्टी मांगना चाहते हैं, तो वहाँ पे बी से लिखेंगे। अच्छा, बी से जब भी लिखेंगे सेवा के जस्ट सामने लिखेंगे, इसको घींच करके नहीं लिखना है, इसको बढ़ा कर नहीं लिखना है, सेवा के जस्ट सामने लिखाएगा बी से। इसमें लिखेंगे एक सप्ताह की छुट्टी, अवकाश मैंने छुट्टी होता है, छुट्टी हेतु, और यहाँ पूर्ण विराम देना है। ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि बी से जब भी लिखेंगे इसके सामने ही लिखें और पूरा बात बताएँ, ठीक है ना। और यहाँ पर पूर्ण विराम देना है क्योंकि आप यहाँ पर अपनी बातें पूरी तरीके से आप दूसरे एंगल से लिखने की कोशिश करेंगे, तो पूर्ण विराम आप देना है। उसके बाद लिखेंगे महाशय, महाशय जब भी लिखेंगे तो अभी सेवा में और विषय के जस्ट सामने ही लिखना है और यहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। अब लिखने की शुरुआत करेंगे तो जस्ट इसी के सामने से फिर लिखना शुरुआत करेंगे, सबने निवेदन, है ना, सबने निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी अगले सप्ताह होने वाली है, लेकिन सप्ताह लिखेंगे तो इसके सामने नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसको घसका के लिखेंगे, अब हे में नहीं, थोड़ा सा घसका के आपको लिखना है, ये चूँकि पैराग्राफ ये दूसरा चीज़ है तो सप्ताह होने वाली है। कुछ लोग जो है इसको इसी के सामने लिखते हैं तो आप ऐसे गलती नहीं आपको करना है, है ना, सप्ताह होने वाली है, अतः आपसे नम्र निवेदन है, अतः श्रीमान से, चाहे आपसे लिख दें तो ठीक है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि दिनांक किस डेट से किस डेट तक आप छुट्टी मांगना चाहते हैं, वहाँ पे आपको लिखना है कि हमको 25 तारीख से लेकर के हमको 30 तारीख तक छुट्टी चाहिए, मैंने 25 दिनांक 25 से 25 दिनांक 30 तक, वो अपना अपना डेट लिखना है, दिनांक वहाँ अपना डालेंगे, कितना तक छुट्टी आपको चाहिए ये डेट लिख देंगे, छुट्टी देने की कृपा करें ये आपको लिखना है। उनके लिए कुछ जो है बातें रखनी है जो काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पर लिखेंगे तो जस्ट आप उनके लिए जो कुछ बातें आप बताएंगे, है ना, तो बताएंगे कि मैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, और ये बात आपको ज़रूर बताना है, और ये बात इसके सामने नहीं लिखाएगा, ये बात लिखाएगा इसके ऊपर वाला के सामने, तो मैं इसके लिए श्रीमान का आभारी रहूँगा, आप अपना संवेदना बताएंगे कि मैं उनके लिए क्या जो है प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद से ना आप अपना यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देंगे, वर्ग रोल नंबर जरूर लिखेंगे और वर्ग जरूर लिखेंगे, और किस सेक्शन में आते हैं यहाँ पे अपना सेक्शन जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना, सेक्शन आप ए है कि बी है वो लिख दीजिएगा,
तिथि जरूर लिख देंगे। बस इस तरह से आप मिश्रण को लिखेंगे, बिल्कुल आवेदन आपका, बिल्कुल आवेदन पत्र बिल्कुल सही तरीके से आप आपके प्रधानाध्यापक के पास रिसीव हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको बिल्कुल कम शब्दों में बातें पहुंचा देनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। आवेदन पत्र में ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो शानदार, सटीक और बिल्कुल आपके शब्दों में एजुकेशनल वीडियो जो आपके काम का है उसको लेकर आते रहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देख